अगर आप कबीर की कंपनी में काम कर सकती हैं तो मैं हमजा की कंपनी में काम क्यों नहीं कर सकती? कबीर मेरा एक्स हस्बैंड है और हमजा आपका एक्स फियांसे, तो बात तो दोनों तरफ से एक ही है ना। पकड़ो, बात करो उसे। मैं इससे कोई बात नहीं करना चाहता, मैं इससे नफरत करता हूँ और इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तुम कोई भी फैसला करो लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, फौरन इसको जाके घर छोड़ाओ। इसके साथ आई हूँ, जासूसी कर रही है मेरी। ऐसी लड़की से शादी करोगे? उसने अपनी बहन के साथ क्या किया? ऐसी लड़की किसी की सगी नहीं हो सकती। साथिया, साथिया। वो किसी की सगी नहीं हो सकती। उन लोगों ने उसे पाला पोसा, खिलाया पिलाया, सब कुछ दिया और उनकी नेकी के जवाब में उसने ये किया। उनके साथ ऐसी एहसान फरामोश लड़की मेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। तुम भी बार बार उसका नाम लेना छोड़ दो। हमारी ये मेरी जिंदगी है, मुझे हक होना चाहिए अपनी जिंदगी का फैसला करने। जब बच्चे जिद में ना या अना में गलत फैसले करते हैं तो फिर माँ बाप का फर्ज बनता है कि उनको समझाएं, उनको सही रास्ते पे लेके आए। बेटा, शादी कोई खेल नहीं है, एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने का सिलसिला नहीं है। तुम जिससे भी शादी करोगे ना उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी तुम्हें। लेकिन मैं फैसला कर चुका, नवाल की अब मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। और आपके बार बार कहने से मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। पीना पड़ेगा, आप थोड़ा सा पिए प्लीज। पीती हूँ थोड़ी देर में, प्लीज यार। मैम, ऑफिस से मैनेजर साहब आए हैं। हाँ हाँ, बुलाओ बेटा बुलाओ। मैनेजर को आई डोंट नो, देख ले। सलाम अलैकुम। जी सलाम अलैकुम, मैनेजर साहब बैठिए ना। थैंक यू। खैरियत, आप यहाँ? जी खैरियत है, वो हमजा साहब के साइन चाहिए थे इस फाइल पे, अर्जेंट, तो उन्होंने घर बुलाया। लेकिन हमजा घर पे है नहीं। मेरे भी कॉल पे बात हुई है, वो 5 मिनट में आ रहे हैं। चले, आप इंतजार कर लें। कुछ लेंगे आप? नहीं थैंक यू। अच्छा, वैसे अहमद साहब बताइए कि कंपनी के क्या हालात हैं और प्रोजेक्ट्स हमारे ठीक चल रहे हैं सारे? जी कंपनी बिल्कुल ठीक चल रही है, 2-3 मेगा प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, 2 मैं देख रहा हूँ और एक फलक भी देख। फलक नवाल की छोटी बहन? जी। हमजा ने उसे कब हायर किया? काफी दिन हो गया। सुना था का काफी नुकसान हुआ है, उनकी बिजनेस पार्टनर थी वो उनकी सारी रकम लेके भाग गई। आपको किसने बताया? सारे स्टाफ को मालूम है जी, फलक बीबी को जो प्रॉपर्टी में हिस्सा मिला था वो बेचकर उन्होंने किसी के साथ बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, तो वहाँ उनके साथ फ्रॉड हो गया, बहुत परेशान थे वो, तभी हमजा साहब ने उन्हें हायर किया था। और हायर करते साथ ही इतना बड़ा प्रोजेक्ट भी दे दिया? जी, बल्कि मैंने हमजा साहब से कहा था कि इनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो कहने लगे मैं उन्हें साथ, मैं देख लूँगा। अब हाँ प्लीज उन्हें मत बताइएगा, वो नाराज़ हो। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगी, आप परेशान मत हो भाई। अहमद साहब को चाय ठंडा कुछ पिलाओ। जी बिल्कुल, क्या मैं ज़रा आराम करने जा रही हूँ। जी थैंक यू। ये
यकीन नहीं आ रहा कि हमजा इतना बेवकूफ निकलेगा। बेवकूफियां तो वो कर ही रहा है और फलक उसकी इन्हीं बेवकूफियों का फायदा उठा रही। उसका करोड़ों का नुकसान हुआ है, कंगाल हो गई है, पैसों की जरूरत है ना उसे, तभी तो मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई है। उसको पता है मेरे बेटे के पास बिजनेस है, पैसा है, अगर हमजा उससे शादी कर लेगा ना तो सब कुछ उसका हो जाएगा, उसकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लड़की की चलाकी देखो, प्लानिंग देखो, पहले दफ्तर में नौकरी की, फिर अपनी बहन को दूर किया, फिर मेरे बेटे को ट्रैप किया। टू मच, क्योंकि मेरा बेटा ऐसा है नहीं, इस लड़की ने उसका दिमाग खराब किया है। मामा ये वही मामला है जो वो पहले कबीर और आलिया के साथ करती रही है। हमजा माने ना माने लेकिन मुझे नजर आ रहा है, और फलक ने हमजा की इसी जज्बाती फितरत का फायदा उठाया है। तुम तो जानती हो कि वो नवाल से कितनी मोहब्बत करता था। एकदम से फलक से शादी, मुझे तो ये बात हजम ही नहीं हो रही। कितना खुश था जब नवाल शादी पे राजी हुई। इतने हफ्तों में क्या हो गया है कि एकदम से नवाल से शादी नहीं करनी और फलक से शादी करने पे राजी हो गया? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। तुम एक काम करो, तुम नवाल को फोन करो और उसे बताओ। क्या बताओ उसे और किस मुंह से बात करूं अमामे उसे? हमजा ने क्या मेरी कम बेइज्जती करवाई? नजरे तक मैं उसे मिला नहीं सकती नवाल से। मुझे यकीन है ये लड़की ना पैसों के लिए मेरे बेटे को ट्रैप कर रही है। हाँ, दैट्स ओनली एक्सप्लेनेशन। तुम एक काम करो, तुम फलक से अलग से मिलो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उससे कहो कि जो चाहती है ना हम उसे दे देंगे, लेकिन हमजा की जिंदगी से निकल जाए, खुदा के वास्ते मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद ना करे। नहीं मामा, ये ठीक नहीं है। तो जो आप हो रहा है ठीक हो रहा है। अकलौता बेटा है मेरा, उसकी जिंदगी बर्बाद होने जा रही है। मैं हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकती, कुछ करना पड़ेगा ना हमें। तुम उससे बात करती हो या मैं जाके बात करूं उससे? अच्छा मामा, मैं बात करूंगी, आप रिलैक्स करो। नाज़िश आपी, आप यहाँ इस वक्त? हाँ, मुझे मिलना था तुमसे, कुछ बात करनी है जरूरी। आइए ना, बैठिए। नहीं बैठना मुझे, ठीक है ऐसे ही। क्या हुआ, सब खैरियत है? आप गुस्से में लग रही हैं। देखो फलक, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगी। मुझे पता चला था तुमने कहीं इन्वेस्टमेंट की थी और तुम्हारा अच्छा खासा लॉस हुआ था कहीं पे। जी, एक प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट की थी, वो रकम लेकर भाग गई। तो पैसे बिल्कुल नहीं है तुम्हारे पास, घर भी तुमने नवाल के नाम कर दिया है, और ऐसे में तुम्हें पैसों की जरूरत तो होगी। पैसों की जरूरत किसे नहीं होती, तो इसीलिए तुम हमजा के पीछे पड़ी हो ना, यही बात है ना? बोलो, खूबसूरत है, हैंडसम है, स्मार्ट है, नौकर चाकर, बगला गाड़ी, सब कुछ तो है उसके पास, और तुम्हें क्या चाहिए? को होश तो है, कैसी बातें कर रही हैं आप? देखो फलक, तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए तुम ले लो, लेकिन हमजा की जिंदगी से निकल जाओ। दिस सोचा भी कैसे ये सब? शायद आपको पता नहीं है, लेकिन मैं आपके भाई के पीछे नहीं पड़ी हूँ। उसने खुद मुझे प्रपोज किया था शादी के लिए, मैंने नहीं कहा उससे कि मुझसे शादी कर ले। तुम ये जाके बातें उसको सुनाओ जो तुम्हारी बातों पर यकीन कर ले। मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो तुम ही थी कि जिसने हमजा और नवाल के बीच में गलत फहमियाँ पैदा की थी। अच्छा, और ये कैसे कह सकती हैं आप? मुझे किसी बहस में नहीं पड़ना,
तुम अभी के अभी हमजा को बोलोगी कि तुम उसे शादी नहीं कर सकती और तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए ना मुझे बताओ, मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी। इतनी घटिया सोच है आपकी। पहले तो मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं शादी के लिए हाँ करूंगी, मगर अब शादी के लिए सोचना कैसा। हमजा से ही मिलने जा रही और उसे हाँ बोल कर ही आऊंगी। आप क्या कर रही हैं? मैंने आपसे कहा था ना कि आप हर बार बात आया करें, कोई फायदा नहीं है। क्या तुम्हें पता है हमजा तुमसे शादी से इनकार करके किसके साथ शादी कर रहा है? हमजा जिससे चाहे शादी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका नाम सुनोगी ना तो फर्क भी पड़ेगा और तुम्हारे पैरों तले जमीन भी निकल जाएगी। गलत फहमी है आपकी। जब उसने मेरे किरदार पे इल्जाम लगा के मुझे छोड़ दिया तो वो जिससे भी चाहे शादी करे, मुझे क्या फलक से। फर्क पड़ा? पैरों तले से जमीन निकली? आप क्या कह रहे हैं? हमजा ने फलक से शादी का इजहार किया। इजहार नहीं बल्कि वो तो जिद लगा के बैठा है। नहीं, अलग ऐसा नहीं कर सकती। वो मेरी बहन है। बहुत मासूम हो तुम और सादा भी। इंसान अपने मुफाद के लिए सब रिश्ते भुला देता है और हमसे तो फिर एक पढ़ा लिखा खूबसूरत पैसे वाला आदमी है। किस चीज की कमी है उसके पास? और लड़कियां ऐसे ही लड़कों को आइडियलाइज करती हैं जो उन्हें जिंदगी में मोहब्बत के साथ साथ हर आसाइश मुहैया कर सके। देखो नवाल, मेरी और मामा की यही ख्वाहिश थी कि हमसे तुम्हारे साथ शादी करें। अब आगे क्या होगा वो मैं नहीं जानती। बस दुआ करो जो भी हो उस सबके हक में अच्छा हो। ख्याल रखना। हमजाज नाजिशा पे आई थी, पैसों की ऑफर कर रही थी मुझे। कहती हैं कि हमजा की जान छोड़ दो, चाहे जितने मर्जी पैसे ले लो। Really sorry फलक, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी नफरत इस हद तक पहुंच जाए। आज उन्होंने ये बात कही है, उन्हें लगता है कि मैं आपसे पैसों के लिए शादी कर रही हूँ। फलक तुम फिक्र मत करो, बच्चों ने बहुत गलत किया है। नोदा, मैं उनसे इस बारे में जरूर बात करूंगा। बात तो कर ली है उन्होंने, पर हमसे आज उन्होंने ये बात कही है, कल को कोई और करेगा। उन्हें लगता है कि पैसे और रेपुटेशन की वजह से मैं आपसे शादी करी। मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आई नो हमसा, लेकिन शादी के बाद भी अगर नाजिश आप यही रवैया मेरे साथ रखेंगी और ऐसी ही बातें करेंगी तो मैं किससे कहूंगी? तो आपसे शिकायत भी नहीं कर सकूंगी।
देखो तुम फिक्र मत, तुम इज्जत तुम मेरी, और मैं अपनी इज्जत पे कभी आँच नहीं आने दूँगा। सुनो हमसा, मैं आपसे शादी के लिए कभी हाँ ना करती, मगर आपके खुलूस और मोहब्बत देखकर मैं इनकार ना कर सकी। मैं जानती हूँ ये सब करना आसान नहीं, अपने घर वालों को मनाना वो भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मगर आप पर भरोसा करके मैं आपकी जिंदगी में शामिल हो रही हूँ। भरोसा कभी मत तोड़िएगा। फलक यकीन रखो मुझे, ऐसा कभी नहीं हो। लेकिन पहले तो अपना मूड ठीक कर। पलक, किसके साथ थी तुम? झूठ मत बोलना मुझसे। झूठ क्यों बोलूंगी? हमजा के साथ थी। तुम हमजा से शादी कर रही? बज्जो ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, तुम हमजा से शादी कर रही हो? मैं नहीं कर रही, उसने प्रपोज किया है मुझे। और वैसे भी आपको क्या फर्क पड़ता है, आप दोनों का रिश्ता तो खत्म हो चुका है ना। तो अगर उसने आपसे शादी नहीं की तो किसी ना किसी से तो करेगा ना, सारी जिंदगी कवारा थोड़ी बैठा रहेगा, तो फिर मैं क्यों नहीं? तो उस दिन तुमने उसे वहां मिला, तुम प्लानिंग करके लेके गई थी मुझे वहां। हाँ, जानबूझ कर लेकर गई थी, और हमजा को कॉल कर मैंने ही बुलाया था। तुमने सब कुछ क्यों किया है मेरे साथ फलक? क्योंकि शादी करना चाहती थी मैं, पसंद आ गया था हमजा मुझे। लेकिन क्या उसे तो आपसे मोहब्बत थी ना, अंधा हो गया था आपकी मोहब्बत में, तो आप दोनों में गलत फहमियां पैदा करने के लिए कुछ तो कर रही था ना फिर मुझे। इतनी एहसान फरामोश निकलोगी मुझे अंदाजा नहीं था। बस बहुत हो गया, मुझे बातें सुनाने से पहले एक बार खुद को देख ले। कभी देखा है खुद को? आप डिजर्व करती हैं हमजा जैसा इंसान। खूबसूरत ही है ना, मुझे देखे, आपसे कहीं गुना ज्यादा खूबसूरत हूँ, समझदार हूँ, हर चीज समझती हूँ मैं। हर चीज आपको कैसे मिल जाती है? पूरी जिंदगी बस यही सोचा मैंने कि इतनी कामयाब आप कैसे हैं, मैं क्यों नहीं? हर जगह आपको आगे रहना था, आपको कामयाब रहना था, लेकिन मैं आपके पीछे पीछे बस कोशिश ही करती रह गई। क्या हुआ, सोचा कभी इसे शादी कर लूंगी, आप जैसी कामयाब हो जाऊंगी, हर चीज मिल जाएगी मुझे, लेकिन फिर क्या हुआ, हमजा से एंगेजमेंट कर ली जो कभी से लाख गुना ज्यादा बेहतर था। वो गाड़ियां, पैसा, शोहरत, वो सब मुझे चाहिए था, वो मेरा नसीब था। नसीब मेरा चमकना चाहिए था, लेकिन किसका चमका? आपका। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। कितना समझाया आपको, कितना समझाया, आप ही रिश्ते से इनकार कर दे, आप ही रिश्ते से इनकार कर दे, लेकिन आपने नहीं किया। तो फिर जो मुझे चाहिए था वो छीन लिया मैंने। आपको पता है आप उसके लायक थी ही नहीं। तुम्हारे लिए क्या कुछ किया था पलक? इसने सब कुछ किया, सब कुछ किया तुम्हारे लिए, लेकिन तुम इस लायक नहीं थी पलक। मैंने तुमसे इतना प्यार किया है, तुम्हें इतना चाहे मैंने, और तुमने ये दिया है। लेकिन मैं तुम्हारी तरह कमजोर थी। तुम्हारे पास आज रात का वक्त है, फिर मेरे घर से निकल जा, तुम दफा हो जाओ मेरे घर से कल दिन में। मुझे तुम्हारी शक्ल इस घर में ना नजर आए, वरना मुझसे बुरा कौन नहीं हूं। दफा।
तुम यहाँ से। तुम सब उसको क्या देख रही हो? मेरा घर है, मैं कह रही हूँ ना, निकल जाओ यहाँ से तुम। हमसा, कहाँ थे तुम? कब से वेट कर रही हो तुम्हारा? मुझे कुछ बात करनी है तुमसे जरूरी। आओ बैठो। रुके, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप फलक के पास क्या करने गई थी। मैं फलक को समझाने गई थी। समझाने गई थी? आपने क्या सोचकर फलक को पैसे ऑफर किए थे कि वो आपसे पैसे ले लेगी? उसको समझाने की बजाय ना आप अपनी सोच को ठीक करें। शर्मिंदगी हो रही है मुझे। हमसा, मैं ये सब तुम्हारी खुशी के लिए कर रही हूँ। मेरी खुशी? मेरी खुशी की खातिर कर रही हैं आप ये सब? अगर आपको मेरी खुशी की परवाह होती ना तो आपकी जिद बांधने की बजाय मम्मा के साथ जाकर फलक से मेरे रिश्ते का हाथ मांगती, उससे शादी की बात करती। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? I'm so disappointed. फलक, तुम रो क्यों रही हो? नवाल, आप इन्हें थप्पड़ मारा है मुझे और इतनी बातें सुनाई हैं। हाथ से पकड़ के घर से निकाल दिया है मुझे। What? लेकिन क्यों? रोड पर खड़ी हूँ इस वक्त। अब मैं कहाँ जाऊंगी हमसा? आपके सिवा तो मैं किसी को जानती भी नहीं। सुनो, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम वहीं पर रुको, मैं 15 मिनट में तुम्हें पिक कर रहा हूँ। प्लीज जल्दी आइएगा। बाय। क्या फर्क पड़ता है? आप दोनों का रिश्ता तो खत्म हो गया है ना, तो अगर उसने आपसे शादी नहीं की तो किसी ना किसी से तो करेगा ना। सारी जिंदगी गवारा थोड़ी बैठा रहेगा, तो फिर मैं क्यों नहीं? हाँ, जानबूझकर लेकर गई। और हमजा को कॉल करकर मैंने ही बुलाया था, क्योंकि शादी करना चाहती थी मैं। पसंद आ गया था हमजा मुझे। उसे तो आपसे मोहब्बत थी ना, अंधा हो गया था आपकी मोहब्बत में। तो आप दोनों में गलतफहमियां पैदा करने के लिए कुछ तो कर रहे थे ना। मुझे कितना समझाया, आप ही रिश्ते से इनकार कर दे, आप ही रिश्ते से इनकार कर दे, लेकिन आपने नहीं किया। तो फिर जो मुझे चाहिए था वो छीन लिया मैंने। नवाल बेटी, खाना बना दिया है, आप कहें तो मेज पे लगा दूं। मुझे भूख नहीं है, तुम जाके सो जाओ। जी ठीक है। हमसा, मैं यहाँ रहूंगी? हाँ, आज तो यहाँ पर रुकना पड़ेगा। नहीं हमसा, मैं यहाँ नहीं रह सकती। पर तुम परेशान मत, मैं कुछ करता हूँ ना। परेशान हूँ तो और क्या करूँ? वापसी के सारे रास्ते बंद करके आई, सारी कश्तियां चला कर आई। मुझे तो डर लग रहा है कि आप अपने घर वालों की बातों में आकर अपने वादे से ना मुकर जाए। हमसा, मैं क्या करूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी? फलक, ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
तो ठीक है, फिर हम निकाह कर लेते। निकाह के बाद तो कोई हमें कुछ नहीं कह सकेगा। और फिर आंटी और बच्चों ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगी, बातें सुनाएंगी, नाराज हो जाएंगी। हम सुन लेंगे, हम मना लेंगे, एटलीस्ट हमें घर से तो नहीं निकालेंगी ना। हमजा, आपको फैसला करना ही पड़ेगा। इल्हाम, बाबा जल्दी आ जाएंगे। ओके नूर, इसे वक्त पे दूध दे देना। ओके, अल्लाह हाफिज़। और कोई प्रॉब्लम हो मुझे वीडियो कॉल करना। हाँ, सॉरी यार। एक मशवरा दूं तुम्हें? हाँ बोलो। तुम दूसरी शादी कर लो। मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली। तुम्हें दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए, बल्कि मेरे ख्याल में तो अब तक कर लेनी चाहिए थी। तो बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है। पहली शादी का मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा, इसीलिए मैं दूसरी शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। देखो कबीर, इल्हाम को एक माँ की जरूरत, कोई होना चाहिए जो उसका ख्याल रखे। मीड है ना, बहुत अच्छी है, तजुर्बेकार है, उसका ख्याल रखती है। और तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि एक बाप बच्चों की अच्छी केयर नहीं कर सकता? देखो, मेरे ख्याल में एक मेड जितनी भी तजर्बाकार हो, जितनी भी अच्छी हो, वो माँ जितना ख्याल नहीं रख सकती। और एक बाप भी माँ की तरह प्यार नहीं दे सकता। सही कह रहा हूँ ना मैं? मेरे मशवरे के बारे में सोचना। मुझे लगता है तुमने स्टेप मदर्स की खौफनाक कहानियां नहीं सुनी। अरे यार, एक तो हमारे माशरे में दूसरी माँ को हमेशा डाइन बना के क्यों पेश किया जाता है? वो अच्छी भी तो हो सकती है ना। अच्छा ठीक है यार, सोचूंगा इस बारे में। अब बिजनेस की बात कर लें, मुझे घर भी जाना है, इल्हाम के सोने का टाइम हो जाता है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि दूसरी शादी कर लो, भाभी सब संभाल लेंगी। ओके ओके, नो शादी टॉक, बिजनेस की बात कर। बताओ क्या कह रहे थे? ओके, यासिर साहब का प्रपोजल मुझे बहुत अच्छा लगा। टेक्नोलॉजी है उनके पास, स्टोर तक एक्सेस है, और मुझे लगता है कि हम दोनों से अच्छी डील कर सकते हैं। वो अगर मैं उन पे ट्रस्ट हो तो हम बात आगे बढ़ा सकते हैं। फलक, आपका निकाह हमजा हाशिम वल्द हाशिम हुसैन के साथ मुबलिक 5 करोड़ रुपए हक मेहर के इवज इन गवाहान की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है।
सलाम अलैकुम कबीर। वालेकुम सलाम नवाज। हाँ कैसे हैं आप? वो असल में मैं इल्हाम से मिलने आई थी, मेरा दिल उदास हो रहा था। आई एम सो सॉरी, इल्हाम बस अभी थोड़ी देर पहले ही सोई है। आपको बुरा तो नहीं लगा कि मैं आ गई? नहीं मुझे बुरा क्यों लगेगा, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आप किसी भी वक्त आ सकती हैं, प्लीज बैठे बैठे प्लीज। नवाल आप ठीक हैं? कोई बात है क्या, आप अपसेट लग रही हैं। यू कैन शेयर विद मी। कबीर आपने ठीक कहा था। क्या फलक ने उस दिन हमजा को यहां बुलाया था? देखा मैंने कहा था ना, फलक ही ऐसा कर सकती है, वही हमजा को कॉल कर सकती है। लेकिन हाँ मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रही थी। मेरी गलती है, मैं सोच रही थी कि वो मेरी बहन है, वो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन उसने किया। और आप जानते हैं कि उसने क्यों किया? क्यों? हमजा को पाने के लिए। क्या हमारी आप क्या कह रही हैं? वो दोनों शादी कर रहे हैं कबीर। यकीन नहीं आ रहा, इट्स अनबिलीवेबल। उसने मेरे साथ जो किया सो किया, लेकिन आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? आप बहन है उसकी और आपने सारी जिंदगी संभाला है उसे। कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है कि अपनी ही बहन का घर खराब कर दे? और हमजा वो तो आपसे मोहब्बत के इतने दावे करता था, इतनी जल्दी बदल गया, भूल गया अपने सारे वादे। लोग ऐसे ही होते हैं, खुद गर्ज और एहसान फरामोश। किसी को किसी का एहसास नहीं होगा। हर फलक को देखें, उसने किसी का ख्याल नहीं किया, कम से कम अपनी बेटी का ही ख्याल कर लेती। बस इतना सा वक्त लगा उसे सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने में। आप सही कहती हैं, कुछ लोग होते ही खुदगर्ज और एहसान फरामोश हैं। उनके लिए रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती। लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ, हमें उनके असली चेहरों की पहचान तो होगी, और आइंदा हम जिंदगी में किसी पे इतनी जल्दी एतबार नहीं करेंगे। I'm sorry, मैं चलती हूँ। नवाल नवाल आप प्लीज इस तरह मत जाएं, आप आपकी हालत ठीक नहीं है, मैं ड्रॉप कर देता हूँ आप। नहीं मैं चली जाऊंगी, सच पूछें तो अभी तो मुझे होश आया है, अभी तो मेरी आंखें खुली हैं, मैं सब कुछ साफ साफ देखने के काबिल हुई। आप प्लीज इल्हाम के साथ रुकें, वो किसी भी वक्त उठ सकती है, मैं चली जाऊंगी। करो कहाँ चला गया ये लड़का, समझ में नहीं आ रही, मैं रात से परेशान हूँ, फोन करो उसे। मामा मैं उसका नंबर कब से ट्राई कर रही हूँ, ऑफ चार है उसका नंबर।
ये सब क्या है? मैंने और फलक ने निकाल कर लिया। आज से मेरी बीवी है और अभी ऐसी घर में रहे। हमसा तुम होश में तो हो? तो अपने पूरे होशो आवाज में हूं बच्चो। मैंने आप लोगों से कहा भी था कि मुझे फलक से शादी करनी है, लेकिन आप लोग नहीं माने, इसलिए निकाह के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ये मुमकिन नहीं है, हमारे मशवरे के बगैर इतना बड़ा कदम तुम उठा नहीं सकते। जरूर इसने तुम्हें बरगद आया है। देखिए, आपको जो कुछ कहना है मुझे कहना, फलक को कुछ मत कर, क्योंकि इस निकाह के लिए मैंने फलक को फोर्स किया था। खास मत करो हमजा, मैं ऐसी लड़कियों को खूब पहचानती हूं। उमा प्लीज, फलक मेरी बीवी, अब इसके बारे में ऐसी वैसी कोई बात मत कीजिएगा। मैं जो चाहे कहूंगी, मेरे दिल में जो आएगा मैं कहूंगी। मुझे ये निकाह मंजूर नहीं है। ऐसे अभी और इसी वक्त फौरन मेरे घर से निकालो। गेट आउट, दफा हो जाओ तुम यहां से। तुम सब उसको क्या देख रही हो? मेरा घर है, मैं कह रही हूं ना, निकल जाओ यहां से तुम। हमजा आंटी क्या कह रही हैं? हमारी क्या कह रही हैं? मैं इसे अपने घर से जाने का कह रही हूं। मैं किसी भी सूरत में ना इसे अपने घर में रहने नहीं दूंगी हमजा। एक बात याद रखे मम, अगर फलक यहां से गई तो मैं भी यहां से जाऊं। फलक वहीं रहेगी जहां मैं रहूंगा। क्या सुन रही हो तुम? इस लड़की की खातिर अपनी माँ और बहन को छोड़ के जाएगा? हमसे लड़ोगे जिसको कोई पसंद ही नहीं करता? मैंने तुम्हें क्या इस दिन के लिए पाल पोस के इतना जवान किया था कि तुम ऐसी लड़की को मेरे घर में ले आओ? फलक मेरी बीवी है मम, अगर आप चाहती है मैं इस घर में रहूं तो ये भी यही रहे। ममा ममा आप प्लीज कमरे में चले, आप प्लीज। नहीं नाजिश, मुझे बोलने दो, ये पागल हो गया है नाजिश। कौन से ये लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। हमजा मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि तुम अभी के अभी इस लड़की को तलाक दो। अब कैसी बातें कर रही हैं? सुना नहीं तुमने कि मैंने तुमसे क्या कहा है? क्या हो रहा है हमजा? फलक तुम खुद को संभालो। चक्कर आ रहे हैं हमजा, प्लीज मुझे कहीं बिठा दे। चलो रूम में चलो।